Dear students, wish you a very good morning. Today, I am Surendra Kumar, present here with a new topic for all the classes from 9th to 12th. And the name of the topic is paragraph. Paragraph. प्रत्येक बोर्ड और नॉन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पैराग्राफ से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैराग्राफ क्या है, व्हाट इज अ पैराग्राफ, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ वेरी गुड पैराग्राफ एंड हाउ डू वी राइट अ गुड पैराग्राफ एंड हाउ कैन वी गेट फुल मार्क्स इन पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं गया है जिसमें पैराग्राफ ना पूछा गया हो, क्योंकि पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ये क्रिएटिव राइटिंग का एक रूप है, बच्चे की राइटिंग स्किल को जज करने के लिए, बच्चे की राइटिंग स्किल को असेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पैराग्राफ राइटिंग स्किल। पैराग्राफ में आप सोचकर किसी दिए गए टॉपिक पर, किसी दिए गए आइडिया या थॉट पर अपने विचार लिखते हैं। आप कितने अच्छे ढंग से अपने उन विचारों को ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकते हैं, आप उस टॉपिक से रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंसेस को कितने अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, आप कितने कंक्रीट एग्जांपल्स उस पैराग्राफ में दे सकते हैं और आप उसमें किस प्रकार से उसे कंक्लूड कर सकते हैं विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड और ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये सब देखा जाता है पैराग्राफ राइटिंग स्किल में। जब पैराग्राफ राइटिंग स्किल में इतनी चीजें देखी जाती हैं तो क्यों न हम पैराग्राफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना सीख लें, और यदि हम पैराग्राफ के उस फॉर्मेट को जान जाएं, पैराग्राफ कैसे लिखें ये जान जाएं और प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ से हम परिचित हो जाएं, हम उन ट्रांजिशन वर्ड से, उन डिस्कर्स मार्कर्स से परिचित हो जाएं और हम वो कंक्रीट एग्जांपल देना सीख जाएं, पैराग्राफ को एडिट करना सीख जाएं, तो हम एक बहुत ही सुंदर इफेक्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं, चाहे टॉपिक कोई भी क्यों ना हो। पैराग्राफ लिखना बहुत ही इजी है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है या दो तीन टॉपिक्स दे दिए जाते हैं एंड राइट ए पैराग्राफ इन 100, 120 और 150 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक। आपको पैराग्राफ 100 शब्दों में, 120 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखवाया जाता है। पैराग्राफ मीन्स टू राइट द सेंटेंसेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे रिलेटेड विद द मेन टॉपिक। यहां पर मेन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम इस पैराग्राफ को लिखते हैं। आइए आज हम सीखते हैं व्हाट इज अ पैराग्राफ एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ। पैराग्राफ इज ए फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ये एक क्रिएटिव राइटिंग है, आप स्वयं क्रिएट करते हैं, स्वयं लिखते हैं, एंड इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ थिंकिंग। यदि ये क्रिएटिव राइटिंग है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, कुछ आइडियाज सोचने पड़ेंगे, कुछ सेंटेंसेस सोचने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स सोचने पड़ेंगे, उनको सोचकर ही हम किसी पैराग्राफ को लिख सकते हैं। पैराग्राफ को एक ही पैरा में लिखा जाता है, इसीलिए इसे हम पैराग्राफ कहते हैं। अगर हम बात करें एक पैराग्राफ को डिफाइन करने की, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ए ग्रुप और ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस रिवॉल्विंग अराउंड अ सिंगल टॉपिक, सिंगल आइडिया और अ सिंगल थॉट। एक ही सिंगल आइडिया या सिंगल थॉट के चारों तरफ सेंटेंसेस रिवॉल्व करते हैं जो इसी सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इसी को हम पैराग्राफ कहते हैं
और लास्ट में हम इसे कंक्लूड कर देते हैं। आपने बर्गर सैंडविच अवश्य खाए होंगे, आपने बर्गर और सैंडविचेस देखे होंगे। पैराग्राफ का जो एक पार्ट होता है या कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बर्गर और सैंडविच जैसा होता है। पैराग्राफ इज अ शॉर्टर व्यू ऑफ एन एसे, मीन्स अगर हम पैराग्राफ को एक्सटेंड कर दें और इसको हम 400, 500, 1000, 2000 वर्ड्स तक एक्सटेंड कर दें, इट बिकम्स एन एसे। तो ये एक एसे बन जाता है। एसे एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है पैराग्राफ का और एक्सटेंडेड पैराग्राफ इज नोन एज एन एसे एंड शॉर्टर व्यू ऑफ एन एसे इज नोन एज ए पैराग्राफ। एन एसे मे हैव मोर देन वन पैराग्राफ्स बट ए पैराग्राफ हैज ओनली वन पैराग्राफ, ओनली वन पैरा। हियर अगर हम बात करें इस सैंडविच की, आपने देखा होगा इसमें ऊपर एक स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, नीचे भी एक स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, बर्गर में भी ऐसा ही होता है, और उसके बीच में कुछ इस तरीके का स्टफ, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स भर दिए जाते हैं और हम उसे खाते हैं। बच्चे बहुत मजे से उसे खा लेते हैं। अगर हम एक पैराग्राफ की बात करें तो वो आपकी सैंडविच जैसा है, अर्थात एक पैराग्राफ का फॉर्मेट एक सैंडविच और एक बर्गर जैसा है। कैसे? ये जो फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड है, इट मीन्स इंट्रोडक्शन टू द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन है। यहां पर ये जो नीचे जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है, ए लॉफ ऑफ ब्रेड है, ये वाला है कंक्लूजन, और यहां पर इस पैराग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो कि आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, यहां डिफरेंट काइंड्स की 3 or 4 काइंड्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स यहां भर दिए जाते हैं। ये सपोर्टिंग आइडियाज हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आपकी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक पैराग्राफ में ये 3 to 4 सपोर्टिंग सेंटेंसेस इन दोनों के बीच में अगर लिख दिए जाएं, इट बिकम्स ए पैराग्राफ, ए वेरी गुड पैराग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि एक पैराग्राफ के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। वी कैन डिवाइड ए पैराग्राफ इनटू 3 पार्ट्स, और हम कह सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए गुड पैराग्राफ। यही एक अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। सेकंड इज बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ, मींस कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, फर्स्ट लॉफ ऑफ ब्रेड हमें इंट्रोडक्शन को इंडिकेट करती है, रेफर करती है। ये यहां पर 3, 4, 5 जो सेंटेंसेस हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो कि हमारे पैराग्राफ की बॉडी बनाते हैं। और लास्ट में ये जो लास्ट लॉफ ऑफ ब्रेड है, ये बनाता है कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ। ये सारा का सारा एक ही पॉइंट पे फोकस होता है और वो है हमारा सैंडविच, वो है हमारा टॉपिक, वो है हमारा आइडिया। अ सिंगल टॉपिक, अ सिंगल आइडिया और अ सिंगल थॉट। हमें उस सिंगल आइडिया, सिंगल थॉट या सिंगल टॉपिक से परे नहीं जाना है। हमें उन सपोर्टिंग सेंटेंसेस को उसी पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करवाना है और हमें वो सेंटेंसेस प्रीवियस सेंटेंसेस से निकलते हुए प्रतीत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एप्पल के बारे में कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम एक सेंटेंस एप्पल के बारे में लिखेंगे और सेकंड सेंटेंस किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। इससे रेगुलरिटी नहीं रहती और पैराग्राफ बिगड़ जाता है। हमें पैराग्राफ में रेगुलरिटी लाने के लिए, उसको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे सिंगल थॉट के चारों तरफ रिवॉल्व करना होगा। सभी सेंटेंसेस उसी तरीके से प्रयोग करने होंगे जो उस टॉपिक से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है। यदि हम कोई एग्जाम्पल भी लेंगे तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पर अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं
तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये साफ हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, व्हाट वी आर राइटिंग अबाउट, कि हम लिख किस बारे में रहे हैं। वो फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन का वो जो मेन टॉपिक है, वो मेन आइडिया है या वो मेन थॉट है दैट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द रीडर। रीडर्स अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। हमें बहुत ही सोच समझकर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखना चाहिए। यही सेंटेंस ये बताएगा कि रीडर आपके पैराग्राफ को पढ़े या ना पढ़े। यही सेंटेंस आपके पैराग्राफ का चेहरा है। यही निर्धारित करता है कि आपको इस पैराग्राफ में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर हमें फर्स्ट सेंटेंस को क्रिएट करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, जिससे टॉपिक क्लियरली दिखाई देना चाहिए। टू अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन एंड इट टेल्स व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, कि पैराग्राफ है किस बारे में। अगर हम योगा के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस से ही हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा जेस्ट, हमारे थीम और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि रीडर आपके पैराग्राफ को आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ। नेक्स्ट इज बॉडी। यहां पर पैराग्राफ की अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो आपको पहले से ही वर्ड लिमिट बता दी होती है। हो सकता है वो पैराग्राफ आपको 100 वर्ड्स में लिखना हो, 120 वर्ड्स में लिखना हो या मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखना हो, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर क्लास स्टैंडर्ड। हो सकता है 9th 10th में आपसे 100 वर्ड्स में लिखवाया जाए, 11th 12th में आपसे हो सकता है 120 और 150 वर्ड्स में लिखवाया जाए। इस प्रकार से हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्ड्स, नेवर एक्सीड दिस वर्ड लिमिट इन ए पैराग्राफ, बिकॉज ए पैराग्राफ इज रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड ए सिंगल पैराग्राफ। नेक्स्ट इज बॉडी। अब हमें ये देखना है कि हम बॉडी में क्या लिखेंगे। बॉडी में हमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने होते हैं जो हमारे मेन टॉपिक को, मेन आइडिया को सपोर्ट करें, सहारा दें, उसी को डेवलप करें। हमें टॉपिक को छोड़कर इधर उधर की बातें नहीं करनी है। हमें चीजों को रिपीट भी नहीं करना है, लेकिन हमारे सेंटेंसेस सपोर्टिंग होनी चाहिए, सपोर्टिंग टू द मेन टॉपिक, मेन आइडिया और मेन थॉट। आप एक सेंटेंस में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, 3 to 5 सेंटेंसेस में आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख सकते हैं, सपोर्टिंग द मेन पॉइंट और मेन आइडिया। आप यहां पर कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करते हों, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप योगा का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप लॉर्ड शिवा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप इंटरनेशनल योगा डे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में भी बता सकते हैं। इस प्रकार से हम उस योगा से रिलेटेड पैराग्राफ में सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे जो योगा से रिलेटेड ही होंगे। आप योगा पर चलाई जा रही विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप योगा एंड हेल्थ के बारे में भी बात कर सकते हैं। एमर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियस सेंटेंस, अगला जो सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस से निकलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो वाला सेंटेंस पहले सेंटेंस से कोई मेल ही ना रखता हो, इससे आप एक अच्छा पैराग्राफ नहीं लिख पाएंगे। कंक्लूजन। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में हम 2 सेंटेंसेस में हम अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 10 लाइंस का एक बहुत ही सुंदर पैराग्राफ की रचना कर सकते हैं जिसमें हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको इसके फॉर्मेट का ध्यान अवश्य रखना है। इंट्रोडक्शन, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंस्टिट्यूटिंग अ बॉडी ऑफ द पैराग्राफ
एंड कंक्लूडिंग लाइन और कंक्लूजन। कंक्लूजन सेंटेंसेस आप कुछ ट्रांजिशन वर्ड से शुरू कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस से शुरू कर सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। हालांकि ये ट्रांजिशन सेंटेंस, ये ट्रांजिशन फ्रेजेस और डिस्कोर्स मार्कर्स आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस में लिख सकते हैं फर्स्ट और फर्स्टली, दूसरे सेंटेंस को लिखते समय आप सेकंड, थर्ड इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप फर्स्ट सेंटेंस में एट द आउटसेट लिख सकते हैं, एट द आउटसेट, एट द आउटसेट इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप इसके बाद आप कोमा अवश्य लगाएंगे, कोमा लगाकर आप अपने सेंटेंस को लिख देंगे जो आपके टॉपिक से, आइडिया से रिलेटेड होगा। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर डिस्कोर्स मार्कर्स हमारे पास हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मोर ओवर, मोर ओवर। उसके बाद आप कोमा लगाकर आप अपनी बात, नेक्स्ट सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। मोर ओवर के स्थान पर आप फर्दर मोर भी लिख सकते हैं, फर्दर मोर, और फिर एक सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इन एडिशन टू लिख सकते हैं, इन एडिशन टू द अबव सेंटेंस आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप बॉडी को, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को इन डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज करते हुए आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप 10 to 12 sentences का एक पैराग्राफ followed by a period or a full stop लिख सकते हैं। हम इसके फॉर्मेट की डिटेल में चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको यहाँ इन सपोर्टिंग सेंटेंसेज को लिखना आना ही चाहिए। और हम कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स यहाँ प्रयोग करेंगे, आप उनकी अलग से लिस्ट बनाकर उनको याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे कंक्लूडिंग सेंटेंस की। कंक्लूडिंग सेंटेंस आपके कंप्लीट पैराग्राफ को कंक्लूड करता हुआ होना चाहिए, एक निष्कर्ष के रूप में होना चाहिए। और इसमें आप कुछ ट्रांजिशन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लास्ट लाइन लिखने से पहले लिख सकते हैं फाइनली, एट लास्ट, इन कंक्लूजन, In a nutshell, from the discussion, from the foregoing discussion, we can conclude that. इस प्रकार से आप पैराग्राफ के कंक्लूजन की यदि शुरुआत करेंगे तो आपका पैराग्राफ बहुत ही सुंदर बनेगा और आप फुल मार्क्स अपने पैराग्राफ में ले पाएंगे। अगर आप 10 पैराग्राफ्स को लिखने की प्रैक्टिस करें तो आप पैराग्राफ राइटिंग स्किल में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आप किसी भी दिए गए टॉपिक पर एक बहुत ही इफेक्टिव पैराग्राफ लिख पाएंगे। इसीलिए हमने डिस्कस किया है की पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ। अब हम कंक्लूजन में एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहूं कि कंक्लूजन में हम लिखेंगे क्या। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, मेन आइडिया और मेन टॉपिक को रेफर करता हुआ, फिर हमने उसी मेन आइडिया से रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स लिखे। अब हम लास्ट में हमारे पैराग्राफ में जो टॉपिक है, जो मेन आइडिया है, मेन थॉट है या कोई मेन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लास्ट सेंटेंस में, कंक्लूडिंग सेंटेंस में एक सॉल्यूशन के साथ, अपने व्यूज के साथ हम उस कंक्लूजन को लिख देंगे, उस पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। और इस प्रकार से वो सॉल्यूशन, वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा। अक्सर रीडर्स या एग्जामिनर्स आपके पैराग्राफ की 1, 2, 3 बिगनिंग लाइंस एंड कंक्लूजन को पढ़ते हैं, और यदि आपका उसकी शुरुआत, उसकी बिगनिंग और उसकी एंडिंग अगर बहुत प्रभावी हैं, बहुत अच्छी हैं, और बीच में आपने कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रखे हैं,
तो ये सैंडविच, ये बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा और आप इसे मजे से खाएंगे। मींस आप बहुत अच्छे मार्क्स इस पैराग्राफ में प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। यदि हम कुछ टेंसेस जानते हैं, हमारे टॉपिक के आसपास हम कुछ सोचते हैं और कुछ सपोर्टिंग एग्जांपल्स और सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख पाने में सफल होते हैं और हमें फॉर्मेट पता है, तो हम एक बहुत ही प्रभावी पैराग्राफ लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और हम किन सेंटेंसेस को अपने पैराग्राफ का इंग्रेडिएंट बनाएंगे, किस प्रकार से हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं और कैसे हम फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें कि पैराग्राफ को लिखने का प्रोसेस क्या हो। सबसे पहले हम दिए गए टाइटल पर नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि हमें पैराग्राफ जो लिखना है उसका टॉपिक क्या है। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो टॉपिक मॉर्निंग वॉक हो सकता है, विजिट टू अ हिल स्टेशन हो सकता है, अ हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, और फेवरेट लीडर हो सकता है, या फिर कोई फेस्टिवल हो सकता है। कोई भी टॉपिक हो सकता है। वो टॉपिक पढ़ते ही हमारे दिमाग में हमें उस फॉर्मेट के अनुसार एक खाका बना लेना है और वी शुड थिंक अ लॉट। हमें टॉपिक देखते ही लिखना शुरू नहीं कर देना है। वी मस्ट थिंक अ लॉट बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। हमें लिखने से पहले सोचना पड़ेगा, एक रफ डायग्राम तैयार करना पड़ेगा यदि आप एक अच्छा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। आस्क योरसेल्फ, और सोचने में आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, व्हाट, कि मुझे इस टॉपिक में क्या क्या लिखना है, व्हाई, और इस टॉपिक में जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे वो क्यों होंगे, वो मेन पॉइंट से रिलेटेड हैं या नहीं है, व्हाई, हाउ, और किस प्रकार से मैं उनको रिलेट करूंगा, कैसे उन एग्जांपल्स को मैं दूंगा, और हु, कौन कौन इस टॉपिक में जो दिए गया टॉपिक है उससे प्रभावित होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सब क्वेश्चंस पूछते हुए हम एक रफ डायग्राम अपने यहां पर तैयार कर सकते हैं। आप अपने पेज की राइट हैंड साइड की सीट पर कुछ रफ की पॉइंट्स अपने बना सकते हैं, उनको लिख सकते हैं ताकि आपको पैराग्राफ लिखते समय वो पॉइंट्स याद आ जाएं जिनको आपको ऑर्गेनाइज करना है। अब आपके पास एक रफ डाटा, एक रफ डायग्राम तैयार है, कुछ की पॉइंट्स तैयार हैं, कुछ एग्जांपल्स तैयार हैं, कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स तैयार हैं। नाउ आपको यू हैव टू यूज डिस्कर्स मार्कर्स और डिस्कर्स वर्ड्स और फ्रेजेस, वो ट्रांजिशन सेंटेंसेस, ट्रांजिशन वर्ड्स, फाइनली, फर्स्ट, सेकंड, मोर ओवर, फर्दर मोर, एट लास्ट, एट द आउटसेट, इन द बिगनिंग, एट लास्ट, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, समराइजिंग, इस प्रकार के वर्ड्स आप लिख सकते हैं। वो आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस में, इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में अलग अलग ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करेंगे। फिर आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज कर लेंगे, उस पैराग्राफ को लिख लेंगे। लिखने के पश्चात आप उसकी स्पेलिंग्स, ग्रामर और पंचुएशन मार्क्स को एडिट अवश्य करेंगे। हम फ्लो में लिखते लिखते समय स्पेलिंग एरर हो जाते हैं हमसे, कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, हो सकता है किसी सेंटेंस से रिलेटेड एरर हो, किसी वर्ड से रिलेटेड एरर हो, या फिर किसी पंचुएशन मार्क्स से ही रिलेटेड एरर हो, क्योंकि जो हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करेंगे उसके बाद हम उसको कोमा से सेपरेट भी करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि क्या आपने ट्रांजिशन वर्ड्स या फ्रेजेस के बाद कोमा का यूज किया है, और एट लास्ट आप एक फाइनल ड्राफ्ट उसका तैयार कर देंगे। और इस प्रकार से आप इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ लिख सकते हैं। नो रेपिटेशन,
पैराग्राफ में रेपिटिशन नहीं करना, क्योंकि हमें दिए गए वर्ड लिमिट में ही पैराग्राफ को लिखना है, इसलिए रेपिटिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सेंटेंसेस को रिपीट करके एग्जामिनर को मूर्ख बनाने का प्रयास कतई ना करें। फोकस द मेन पॉइंट, मेन आइडिया, मेन पॉइंट को फोकस में रखें, सेंटर में रखें, उसी के अराउंड, उसी से रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखें। आप प्लस माइनस 10 वर्ड्स लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 वर्ड्स में कोई पैराग्राफ लिखना है, आप इसको 110 या 90 तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस श्योरली। आप पक्के तौर पर ये आश्वस्त हो कि आपने ट्रांजिशन मार्कर्स का यूज किया है। आप पैराग्राफ को प्रॉपरली एडिट करें, एडिट करने के बिना, किए बिना आपके पैराग्राफ में कुछ एरर्स रह सकते हैं, मिस्टेक्स रह सकते हैं, जिन पर एग्जामिनर का ध्यान जाएगा तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और पैराग्राफ लिखते समय आप इंडेंट अवश्य छोड़ें। ये इंडेंट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पेज है, ये कुछ लाइन्स मैंने यहां लिखी। आप पैराग्राफ को कभी भी यहां से शुरू ना करें, यहां पर इतनी जगह आप अवश्य अपनी उंगली की लंबाई जितनी जगह इस पहली लाइन में छोड़ें और यहां पर शुरू करें। यहां पर मान लो आपको पैराग्राफ लिखना है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, तो इसके पश्चात आप इस इंडेंट को छोड़ते हुए इस पैराग्राफ को लिखेंगे तो आपका पैराग्राफ बहुत सुंदर लगेगा। आप पैरा चेंज ना करें। आप सेंटेंसेस के बाद डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करते हुए, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हुए पैराग्राफ को एक्सटेंड करें। यदि आप ये वीडियो देखेंगे और दिए गए नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आप एक बहुत ही सुंदर पैराग्राफ लिख पाएंगे। कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हम उनको लिखेंगे, क्या उनके इंग्रेडिएंट्स होंगे और कौन कौन से सेंटेंसेस हम उसमें लिख सकते हैं, इसके लिए ई नोट्स पर आप नजर दौड़ाइए। आपके लिए कुछ पैराग्राफ्स सैंपल के तौर पर हमने वहां दिए हुए हैं और एक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स पैराग्राफ में मिल सकें। आपको पैराग्राफ को छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। केवल आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना है और मेन पॉइंट के इर्द गिर्द कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस का यूज करते हुए उसे कंक्लूड कर देना है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।